हेलो गुड मॉर्निंग। ये चार कान्हा ने पैक करवाए हैं गिफ्ट अपनी टीचर्स के लिए, तो इस चार को मैंने पैक कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। वो उठ चुका है और उसके कपड़े मैं निकाल के रखती हूँ और प्रेस नहीं है, बस अभी इसे प्रेस करना है, उसे तैयार करना है। उसे मैं आज ये कुर्ता पहनाने वाली हूँ, कुर्ता पहन के जाएगा वो। तो चलिए सबसे पहले उसे तैयार करके मैं भेज देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आज है दिन, डेट तो आप सभी को पता होगा, टीचर्स डे है आज 5 सितंबर। और डे आज है थर्सडे। आज मेरा फास्ट है और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। दोपहर में बस केला खाया था और कुछ नहीं खाया था। और किस किस ने आज, ऐसे सारे पेरेंट्स बिजी होंगे ना अपने बच्चे को तैयार करने में, स्कूल भेजने में, क्योंकि टीचर्स डे में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हर किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे कान्हा था एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। तो हर किसी के पेरेंट्स, मैंने उसे भेज भी दिया था, जल्दी भेज दिया था उसे तैयार करके, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड जो होता है। हम लोग भी होते थे एक्चुअली ना, जब मतलब ये सब देख के ना, बच्चों को देख के अपने टाइम की याद आ जाती है कि यार हम लोग थे तो कितना अच्छा था ना, स्कूल जाते थे, सेलिब्रेट करते थे। और जब मैं स्टूडेंट थी, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझे कभी वो मौका नहीं मिला कि मैं टीचर्स डे सेलिब्रेट कर सकूँ, क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चे सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। और मैं टेंथ में स्कूल से निकल गई थी, कॉलेज चली गई थी, तो मैं टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि टीचर्स डे सेलिब्रेट करना, नहीं कर पाई थी। तो और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं टीचर बनी तो फिर टीचर्स डे सेलिब्रेट की। तो फिर वो एक्सपीरियंस जो था ना, 2 साल का एक्सपीरियंस, 2012 से 2014, 2 साल मैंने टीचर्स डे सेलिब्रेट की डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी एचएफसी में। तो वहाँ पे मैं केजी विंग में टीचर थी, वहाँ पे जो टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होता था, 12th के बच्चे करते थे, इतना अच्छा करते थे, माइंड ब्लोइंग यार, बहुत अच्छा। मतलब वो दिन कभी नहीं मैं भूल सकती, वो दिन मैं भूल ही नहीं सकती हूँ यार, क्या दिन थे वो, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं, अमेजिंग। मतलब होती है ना, लगता है कि काश वही दिन आज भी होते, तो ऐसे हो भी सकते थे, मैं खुद छोड़ के आ गया यार, वही हो सकते थे, बट बहुत अच्छा लगता था। टीचर्स डे का जो सेलिब्रेशन होता है वो एक अलग ही लेवल का, मतलब वो होता था एक्सट्रीम वाला जो होता है ना, वो जज्बा मतलब था टीचर्स डे सेलिब्रेट का, बहुत अच्छा लगा था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। और मैं बताऊँ, मेरे भी टीचर्स थे, मेरे दो टीचर मेरे फेवरेट रहे हैं। जब मैं स्कूल टाइम में थी, केवी एचएफसी गढ़हरा में मैं पढ़ती थी, पहले मैं एचएफसी में पढ़ती थी, फिर केवी गढ़हरा चली गई क्योंकि एचएफसी बंद हो गया था। तो मेरे फेवरेट टीचर वहाँ पे थे एसके पांडे सर, एसएसटी के टीचर थे और वो मुझे एसएसटी पढ़ाते थे, और वो मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर थे। मतलब कि जो कहते हैं ना कि हाँ कोई मतलब किसी भी टीचर जो सबसे ज़्यादा टीचर जो आपको वो करते हैं, तो वो मेरे एसके पांडे सर थे, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, एसके पांडे सर थे। और उसके बाद मैं स्कूल टाइम में तो मेरे वही रहे, एसके पांडे सर ही रहे। और उसके बाद जब मैं स्कूल से निकली तो फिर एक और थे जो अभी तक हैं, मतलब कि अभी एसके पांडे सर से मेरा टच नहीं है, मतलब मेरा फ़ोन से भी बात नहीं होता है, बट अभी तक जो टीचर हैं मेरे बने हुए, वो हैं मेरे म्यूजिक टीचर, जिनसे मैंने म्यूजिक सीखी है। मैंने मतलब वो टीचर मुझे मिले थे केवी एचएफसी में आए थे, मेरे घर के जस्ट बगल में आए थे। मैं उस टाइम स्कूल में नहीं थी, मैं कॉलेज लाइफ में थी, वो मेरे घर के बगल में रहते थे। और उन्होंने मुझे इनकरेज किया था कि तुम गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, दिस है दैट है, तुम बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था। मेरे पास हारमोनियम वगैरह कुछ नहीं था, तो सर ने अपने हारमोनियम पर मुझे सिखाया और अपना हारमोनियम देते थे कि तुम यहाँ आके रियाज कर लो, तुमको घर पर करना है तो तुम हारमोनियम उठा के ले जाओ, तुम घर पर करो लेकिन करो। तो सर ने मेरे पीछे काफ़ी मेहनत की थी मुझे सिखाने के लिए, मुझे इंटरेस्ट मेरे अंदर जगाने के लिए कि मैं गाऊँ गाना और मैं हारमोनियम बजाऊँ, मैं तबला सीखूँ, ये सारी चीज़ें, और डांस में कथक वगैरह सीखूँ। तो बहुत ज़्यादा सर ने फोर्स किया था और सर ने कर भी दिखाया। मतलब 6 साल का मेरा प्रवीण या प्रभाकर, आई थिंक जो भी होता है, 6 साल का मेरा सर्टिफिकेट भी दिलवाया, एग्ज़ाम दिलवाया, रिटेन प्रैक्टिकल सारा, सारा का सर्टिफिकेट अभी मेरे पास है, म्यूज़िक के डिग्री का सारा सर्टिफिकेट अभी मेरे पास है। और सर ने मतलब मैं बताऊँ, 2014 में मेरी शादी हुई थी, तो 2014 में मैंने फॉर्म भी फिलअप किया था केवी के लिए, और उस टाइम में कान्हा
आने वाला था तो मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, छोड़ दिया था। तो और उसके बाद से तो फिर टच ही ख़त्म हो गया। मतलब कहते हैं ना म्यूजिक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लगातार रियाज करते रहो ना, तभी आप वो कर सकते हो। अगर आपका रियाज बीच में ख़त्म हो गया तो फिर वो सारी चीज़ें ये हो जाते हैं। लेकिन म्यूजिक से मेरा इंटरेस्ट अभी नहीं है, मैं सारा दिन गाना सुनती हूँ, सारा दिन गाना सुनती हूँ। और पता है वो टीचर ऐसे, मतलब ऐसे टीचर सच में यार आज के डेट में नहीं मिलेंगे। उनका नाम है विनोद कुमार, और मतलब ऐसे टीचर थे तो 6 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक उन्होंने 1 रुपया फीस के नाम का जो होता है 1 रुपया वो नहीं लिया। ऐसे टीचर नहीं मिलने वाले। और सर हमेशा कहते थे, मैं मतलब सर नहीं बोलते थे, मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं सर, आप नहीं ले रहे हैं ना तो मैं जब नौकरी कर लूँगी ना, जो मेरी पहली सैलरी होगी ना वो मैं आपको दूंगी। मैं हमेशा सर को ऐसा बोला करती थी, लेकिन सर कभी मतलब कभी भी 1 रुपया नहीं लिया। अभी भी मैं सर से बात करती हूँ तो सर बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर है, बहुत अच्छे से। और मैं क्या बताऊँ, तो उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है कि ऐसे टीचर भी आज के डेट में मिलते हैं। नहीं तो आजकल तो ऐसे टीचर आ गए हैं कि आप जाइए किसी चीज़ के लिए, वो फीस अपना पहले बताएंगे, हाँ भाई मैं इतना का कोर्स करवाऊँगा, इतना रेट है, आपको है तो करिए नहीं तो जाइए। तो टीचर ऐसे भी होते हैं, और एक ये टीचर है ऐसे भी होते हैं, तो कितना फ़र्क है दोनों में। कहते हैं ना टीचर का काम होता है कि शिक्षा देना, ज्ञान बांटना, तो यहाँ तो बिजनेस सारों ने खोल रखा है, ज्ञान किसने बांटा है? ज्ञान तो सिर्फ मेरी टीचर ने बांटी थी, जो कि सही में, और ये ज्ञान पता है जो निस्वार्थ से भाव से दिया हुआ ज्ञान ना आपके अंदर ज़्यादा दिन तक रहता भी है। ये मैंने फील किया है, क्योंकि मुझे सर की सिखाई हुई अभी तक बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतने साल हो गए मुझे म्यूजिक से दूर रहे हुए। मैंने हारमोनियम जब से शादी हुई है 5 साल से मैंने हारमोनियम को छुआ भी नहीं है। हाँ कभी कभी छूती हूँ, जैसे अभी जाती हूँ मैं घर वहाँ पे बड़ौनी जाती हूँ तो मैं एक बार हारमोनियम निकाल के ज़रूर देखती हूँ, बजा के देखती हूँ कि बज रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो एक बार मैं देखती हूँ, बस छूती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं, गाना बजाना नहीं, रियाज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अगर शुरू करूँ तो मेरा फिर से हो जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं मन में उम्मीद है। और आगे तो देखेंगे फिर क्या होगा, आगे का किसने सोचा है, बट कहीं ना कहीं है, मैं इससे दूर नहीं हुई हूँ अभी। और गाना तो मैं 24 घंटे 24 आवर अगर चलता रहे तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं कह रही थी टीचर्स की बात, टीचर्स ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको कुछ सिखाते हैं ना, वो सही मायने में टीचर होते हैं। और ऐसे टीचर मिलने आज के दिन में बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल। मुझे कैसे मिल गए पता नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए मुझे मिल गए। और मैंने सर के यहाँ जा कर के ना 1 साल नहीं, जब मैं एग्ज़ाम देती थी ना म्यूजिक का, तो फिर सर का ट्रांसफ़र हो गया था, सर चले गए थे NTPC कहलगांव। तो फिर मैं जब सर चले गए थे और मेरे एग्ज़ाम था म्यूजिक का, तो मैं सर के घर पे गई थी सीखने के लिए। 1 महीने में लगा के आई थी, 1 महीने में वहाँ पे सीख के प्रैक्टिस करके आई थी। और सर उस टाइम ना मुझे डांस भी सिखाते थे। सर कहते थे कि तुम्हारा म्यूजिक का तो 6 साल कंप्लीट हो गया है, म्यूजिक का डिग्री तुमने ले लिया है, अब तुम ना कथक का डिग्री ले लो, डांस का डिग्री ले लो। तो क्योंकि म्यूजिक टीचर में ना दोनों चीज़ें खोजते हैं, कहीं कहीं दोनों चीज़ें खोजते हैं, कहीं कहीं एक ही खोजते हैं, तो इसलिए। लेकिन फिर उसके बाद फिर सारा डमाडोल हो गया, कहते हैं ना फिर पास में अगर हो चीज़ें तो हो जाती है किसी तरह से, नहीं भी चाहते हुए, लेकिन दूर हो जाए तो फिर नहीं हो पाती, एफर्ट लगाना पड़ता है, जो कि नहीं लगा पाई मैं, तो सारी चीज़ें डमाडोल हो गई। तो मैं पता है मैं मुझे लगा कि चलो मैं मेरे साथ जो हुआ है, मेरे कैसे टीचर थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके पास भी ऐसे टीचर हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपके टीचर भी ऐसे ही है, इतने ही अच्छे हैं, इतने ही स्वीट हैं, इतने ही कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि मेरे हैं। और मैं आज भी उनसे बात की थी, आज टीचर जब मैं आज भी उनसे बात की हूँ तो आज भी वो ऐसे ही हैं। और बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन रहेगा उसे दोबारा बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस ब्लॉग में मैं ऐसे ही बस ये वीडियो बना दी कि मुझे लगा कि नहीं यार मेरे टीचर्स ऐसे थे ना, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।